प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूलाधार के अंतर्गत आज का हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वो है राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण। यानी हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख प्रमुख लक्षण क्या है, उसके बारे में इस कक्षा में जानने वाले हैं। तो ये 9 बिंदु हैं, इन पे हम विचार करेंगे। पहला, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचना पाई जाती है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था हो उसमें राजनीतिक संरचना अनिवार्य रूप से पाई जाती है। बिना राजनीतिक संरचना के राजनीतिक व्यवस्था नहीं हो सकती। राजनीतिक संरचना का होना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है, तुलना का आधार कार्य हो, संरचनाएं नहीं। यानी विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं हो सकती है, उनके नामों में समानताएं हो सकती है, लेकिन उन नाम की समानता के बावजूद वो दोनों देशों की राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग कार्य करती होंगी। तो हमें संरचनाओं की तुलना न करके उनके कार्यों की तुलना करनी है। संरचनाओं का नाम भिन्न हो सकता है लेकिन कार्य एक ही प्रकार के हो सकते हैं। कार्यों के आधार पर हम तुलना करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सिद्धांत बना सकते हैं। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न राजनीतिक संरचनाएं विविध प्रकार के कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती हैं और वो राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। यानी संरचनाओं में, राजनीतिक संरचनाओं में भी विभिन्नता होती है और उनके कार्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था मिश्रित स्वरूप की होती है। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है, प्रकृति है, नेचर है, वो मिश्रित होता है। पूर्णतः उनको हम किसी एक वर्ग में नहीं रख सकते। पांचवा, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है। यानी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को देख लें तो हमें यह साफ साफ नजर आएगा कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक साधन है उनका वितरण असमान रूप से हुआ है, समानता के सिद्धांत पर नहीं हुआ है। सबके अलग अलग राजनीतिक साधन या साधन प्राप्त होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। यानी प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग या कुछ वर्ग या यूं कह सकते हैं कि दबाव समूह सरकार की नीतियों और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। यानी प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ के समुदाय या वहाँ के जातीय समूह या प्रभावशाली लोबिंग समूह या हम कह लें दबाव समूह, वो राजनीतिक सरकार के जो नीतियाँ हैं, निर्णय हैं, उनको प्रभावित करने का प्रयास हर संभव तरीके से करते हैं। अगला, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। इसका प्रमुख कारण साधनों का असमान वितरण है। यानी हम किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को ले लें, देखें, उसका अध्ययन करें तो यह हमें साफ साफ नजर आता है कि वहां राजनीतिक प्रभाव है उसका असमान वितरण है। यानी प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण पाया जाता है। इस राजनीतिक प्रभाव के असमान वितरण के पीछे जो राजनीतिक व्यवस्था में साधनों का असमान वितरण होता है वो उत्तरदायी है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के नेता अपने कार्यों को वैध या सही बनाने का प्रयास करते रहते हैं। यानी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें, जहां का राजनीतिक नेतृत्व है, जो सत्ता में बैठा है, वो अपने निर्णय को, अपने कार्य को हर संभव तरीके से सही और वैध बताने का प्रयास करता रहता है। राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व विचारधारा का विकास करता है। यानी जो राजनीतिक व्यवस्था में जो नेतृत्व करने वाला वर्ग है, सरकारों का संचालन करने वाला वर्ग है, राजनीतिक संरचनाओं को संचालित करने वाला वर्ग है, वह वर्ग अपनी विचारधारा का विकास उन राजनीतिक संरचनाओं और राजनीतिक संरचना के कार्यों के माध्यम से करने का हर संभव तरीके से प्रयास करता है। तो ये
इस कक्षा में हमने राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना, प्रमुख प्रमुख लक्षणों के बारे में जाना। एक बार पुनः संक्षेप में इनको दोहरा लेते हैं। पहला है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचना पाई जाती है, या हम यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक संरचना के बिना राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है और तुलना का आधार है राजनीतिक संरचना का कार्य होता है, राजनीतिक संरचना का नामांकन नहीं हो सकता। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न राजनीतिक संरचनाएं या अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं विविध प्रकार के या अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। चौथा, राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित स्वरूप या मिक्स्ड नेचर या मिले जुले स्वरूप या प्रकृति वाली ही होती है, यानी उनका अकेला अपना कोई स्वरूप नहीं होता, बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लक्षण एक राजनीतिक व्यवस्था में हमें नजर आते हैं। पांचवा, प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है। छठा, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग या दबाव समूह या जातीय समूह सरकार की नीतियों और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है और इस असमान वितरण का प्रमुख कारण साधनों का असमान वितरण होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के नेता अपने कार्यों को, अपने निर्णयों को सही या वैध बनाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला वर्ग, सत्ता में रहने वाला वर्ग या राजनीतिक संरचनाओं में विभिन्न पदों पर बैठा नेतृत्व वर्ग विचारधारा का विकास करता है। धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही।